के लिए आपको थैंक्स बोलना है, क्योंकि हम पैसे तो कमा रहे थे, वो सेविंग्स के लिए बहुत से जराती जैसे कि बैंक्स हैं या घर में जो है, जैसे हमारे सर ने हमारे को एक्सप्लेन किया, मगर हम वहाँ कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिए क्योंकि हमारे पास जमता ही नहीं था। ठीक है, वहाँ मिनिमम तुम ट्रांसलेशन आपका 100 रुपये या 500 रुपये डालना पड़ता है, और क्योंकि ऐसा हुआ मैंने अकाउंट में 200 रुपये डाल रखा था, वो मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने उसको पैसे की जरूरत थी, मैं पूरी जगह छानबीन मार लिया, जितने की मेरे ATM कार्ड हैं 8-10 ATM कार्ड हैं वो सब छानबीन मारा, अगर नहीं है चलो खत्म होगी खाम, तो मेरा वो 200 रुपये जो है वो सेविंग में वैसे ही जोंगे तो रह गए। ठीक है, उसके बाद जो यार इसमें पैसे हैं सरप्राइज, तो इसकी वजह से क्या है, हम वो जो जो चीज़ है लक्ष्य का जो टीम ने हमारे लिए बनाया है तो ये बहुत पावरफुल बनाया है, और इसका जो जुगाड़ ऐसा है 5 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो, प्लस पॉइंट यही है, 5 रुपये हम लोग सभी डाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐप यूज करना जो है अनपढ़ आदमी भी, जो पढ़े लिखे नहीं अनपढ़ आदमी भी इजीली उसको मतलब हैंडल कर सकता है। जैसे कि अभी प्रेजेंटली मेरा जो है लक्ष्य बनाया था मिस शाहजिया ने, ठीक है, इन्होंने इतने बढ़िया से एक्सप्लेन किया कि वो आइंदा इसके फ्यूचर कैसे होंगे, इसका कैसे चलेगा, तो हर एक डिटेल इनको तो मैंने ऐसे तकरीबन 9:30-10 बजे करीब इनको एक बार डिस्टर्ब किया था, मैम ऐसा चीज चल रही है, तो इनको कोई उससे मेरे से बुराई नहीं है, उनके घर में फैमिली में बैठे थे या कुछ उनके पर्सनल काम था वो छोड़ दिया, सर आपको क्या तकलीफ हो रही है, जब मैं ऐसे सर ट्रांसलेशन करना चाह रहा हूँ नहीं हो रहा है तो मैं चेक करूंगी बाद में बता दूंगी आप, तो ऑनलाइन में ही उन्होंने मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, और उस दिन से आज तक मैं सेविंग कर रहा हूँ, वो सेविंग के लिए मैं इतने दिन वेट कर रहा था कि आप लोगों से बात करूं, आपको एक थैंक्स बोलूं, क्योंकि ये आप जो बनाया हम लोगों के लिए ड्राइवरों के लिए इसका जवाब नहीं, कि हर एक बंदा आ रहा है चलना यार कोई चाय पी रहा है चलो आज चाय नहीं पियो 10 रुपये वहां पे डाल दो, सिगरेट पीए तो 15 रुपये चला जाता है, वो जो क्रेडिट है ना हम सेव नहीं कर रहे, हम नहीं सेव कर रहे हैं जी सर, उसका रास्ता कीजिएगा 4 पी के 15 रुपये डाल सकते हैं, उसका रास्ता जो है आप लोगों ने बना के दे दिया हम लोगों को, तो मैंने सोचा यार 50 रुपये बच गए डाल दो अभी लक्ष्य में। बैंक में जो मेरे 4-5 अकाउंट है कभी भी मैंने नहीं सेविंग नहीं किया, मेरे जितने भी अभी मान लो भाई ने मेरे को 50 डाल दिया है तो वो 50 निकाल दूंगा मैं, 8 दिन में मेरे पास वो 50 खत्म हो जाएंगे, अभी लक्ष्य का जो है वो अलग ही किस्म है, वो पता नहीं क्यों जम रहे हैं उसमें क्या ये नहीं है, मतलब आप लोगों का जो बनाया आपने वो जो मन चंगा तो कसौटी में गंगा उसमें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं सेव कर रहा हूँ मेरे रुपए वहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, वो हमके दिमाग से निकल जाता है, तो वो एंड टाइम पे हमारे काम पे आएंगे पता है, और जब लक्ष्य को तो मैं भूल गया हूँ, डालना तो सीख रहा हूँ निकालना नहीं सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरी बेटी के लिए वो फायदा है, सिर्फ डालना है निकालने का नहीं है, कभी पिछली बार किसी ने मेरे को बोला था एक बार ट्रांसलेशन करके चेक कर लो विड्रा होता है नहीं होता, पक्का 2 मिनट में हो गया विड्रा भी होया और चले भी गया, तो वो जो पैसे हैं मेरे 2 बेटियों के लिए सही है, लक्ष्य जी की टीम में जो मैं इन्वेस्ट करूंगा मेरे बच्चों के लिए हो जाएगी, स्पेशली आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा, अब मैं जो है अभी एक बैंक का सोचो अभी मैं बैंक में पैसे डाल दिया तो मैं मान लो साल में जितना ट्रांसलेशन करता हूँ तो उसमें मेरे पैसे कट जाते हैं जी, उनकी सर्विस चार्जेस लेते हैं, मगर यहाँ देखो भाई ये लोग जनसेवा का ले निकले हैं लक्ष्य टीम वाले कुछ नहीं ले रहे हैं, तुम अपने पैसे तुम्हारे 500 हैं तो 500 ही रहेंगे वहाँ पे, ठीक है आपका 500 है आपका 500 रुपये मैं 5 दिन रखा था मेरे को 50 रुपये चाहिए, वो कुछ नहीं है सर्विस टैक्स नहीं है, तो ये मेरा मतलब आप लोग ऐसे निकल गए हो कि चलो यार दूसरों का भला करो खत्म कहानी, अपने को कुछ नहीं है, स्पेशली हम टीम से और जो जितने भी लक्ष्य में है उनके सबके तरफ से मैं स्पेशली आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, थैंक्स वंस अगेन, आपका काम ऐसे ही रहे।